हिंदू धर्म में सैकड़ों पर्व त्योहार होते हैं। होली, महाशिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि इत्यादि, और उनको मनाने का महत्व अधिक है जिनकी उत्पत्ति स्थानीय परंपरा, व्यक्ति विशेष या संस्कृति से होते हुए भी वैदिक धर्म ग्रंथ, धर्म सूत्र और आचार संहिता से मिलता है। वैसे इस वर्ष श्राद्ध पक्ष के ठीक बाद अधिक मास लगने के कारण त्योहार के समय में काफी बदलाव हो रहा है और नवरात्रि एक महीने बाद पड़ी है। मान्यता है कि हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताएं हैं, किंतु ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिनको त्रिदेव कहते हैं, उनका सबसे अलग स्थान प्राप्त है। ब्रह्मा जो जीवन की उत्पत्ति के पिता है, विष्णु संरक्षक और महेश सनातन धर्म का परम कारण और कार्य। ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी और पार्वती शिव की पत्नी है, जिनकी पूजा की जाती है सबसे महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक नवरात्रि में। एक सेलिब्रेशन है जहाँ पर हम अकेले नहीं पर पूरे परिवार, समाज में जितने भी लोग हैं, मंदिर के जितने भी लोग हैं, सब एकजुट होते हैं और माता का आवाहन करते हैं। और इस आवाहन में हमें बहुत सारे वैल्यूज़ होते हैं और वैसे ही सात्विकता में जिएंगे, जहाँ तक हो सके सात्विक खाना, सात्विक पीना, सात्विक सत्संगति में रहेंगे। Pendant le jour, nous risquons quand même. Et mon maman habitait Gorge Caloche, tout ça. Et nous aussi, la case continue, nous fait la prière grand matin, tantôt. Et le soir, nous habitions dans le mandir. Nous assistions à la prière dans l'endroit, dans la localité. Et pendant ce rendez-vous-là, nous faisons la prière. En tant qu'un jeune, il est vrai que bonne fête là, bonne jeune, pas trop participer, mais on trouvait que si comment dire, depuis tout petit, nous, maman, papa, ils montraient nous, baisse carême, et faire la prière, et à ce moment-là, et, bon Dieu de nous plus en retour, et nous aussi prier pour tout du bon, pour tout le monde mauricien, et pour entier le monde aussi. Vishnu Puran ki anusar, Avinashi Param Brahmane, अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना की और स्वेच्छा से अपने शरीर से उस शक्ति की सृष्टि की जो उनके श्री अंग से कभी अलग नहीं हुए। उसी पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है, जिनकी 8 भुजाएं हैं, नाना प्रकार की गतियों से संपन्न, अनेक प्रकार के अस्त्र शक्ति से धारण करने वाली वे माता दुर्गा हैं, जिनकी महिमा का गुणगान भक्ति भाव श्रद्धा से इन दिनों घर घर मंदिरों और विशेष आज के इस कार्यक्रम में की जा रही है। नवरात्रि की मंगल कामनाएं। नमस्कार। वर्णां तपसा ज्वलन्तीं भैरोजनीं कर्मफलेषु जुष्टाः दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वाः पूष्य पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातो कायतनया यशम्योः विश्वानि नो दुर्गः जातवेदस्सिन्धुन्ननावादुरिदातिवर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृढानोऽस्माकं बोध्यभिदा तनूनाः कृतनाजितगुंसहमानमुग्रमग्निगुम्भुवेम परमात् सदस्तात् स नः पश्यदति दुर्गानि विश्वाशामद्देवो अतिदुरिदात्यग्निः रत्नोषि कमीड्यो अध्वरेषु सना च होत।
देवी पुराण के अनुसार एक वर्ष में चार माह नवरात्रि के लिए निश्चित हैं। प्रथम महीने अर्थात चैत्र में प्रथम नवरात्रि होती है, चौथे माह आषाढ़ में दूसरी नवरात्रि, फिर अश्विन मास में तीसरी और प्रमुख नवरात्रि होती है। इसी प्रकार वर्ष के 11वें महीने अर्थात माघ में चौथी नवरात्रि होती है। नवरात्रि यानी वो 9 दिन जब माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, जिसे देवी के रूप में मान्यता दी गई है। वो शक्ति जिसे देवताओं के महिला रूपी अवतार में देखा जाता है। मानव सभ्यता का उदय भी शक्ति की इच्छा से हुआ। दैत्यों का विनाश करने वाली माता आदि शक्ति, भवानी और अन्य कई नामों से जानी जाती है, और इस बार माता रानी 17 से 25 अक्टूबर तक भक्तों के बीच रहने आई है। नवरात्रि जीवन के नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने के लिए 9 विशेष रातें हैं। पुराणों में बताया गया है कि शारदीय नवरात्रि माँ दुर्गा की आराधना, संकल्प, साधना और सिद्धि का दिव्य समय है, और सदियों से देवी माँ की पूजा की परंपरा चली आ रही है। पिता महा ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और महादेव उसी दिव्य शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन पोषण और संहार करते हैं। नवरात्रि माँ के अलग अलग रूपों को पूजे जाते हैं, किंतु सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती जो त्रिदेवी हैं, सबसे शेष है। त्रिदेवी की धारणा भारतीय दर्शन या भारतीय हिंदू शास्त्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस धारणा को समझने के लिए हम यह एक प्रश्न उठाएंगे कि सृष्टि क्या है। ये जो विश्व है, ये जगत है, ये संसार है, ये सृष्टि ही है, हम भी सृष्टि के भागीदारी हैं, तो ये सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई? लॉजिकली देखें तो एक रिलेशन होता है कॉज एंड इफेक्ट में, जिसे हम कहेंगे संस्कृत में कार्य और कारण, कारण कार्य। अगर सृष्टि एक कार्य है तो उसका कारण क्या हुआ? सृष्टि अगर इफेक्ट है तो उसका कॉज क्या हुआ? तो इसका उत्तर है कि उसका कॉज है ब्रह्मन, द एब्सोल्यूट, जिसे हम एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसे हम परमात्मा या भगवान कहते हैं। तो ये जो ब्रह्मन है, इसको सच्चित और आनंद भी कहते हैं। एक ब्रह्मन, इसके दो रूप होते हैं, एक मास्कुलिन रूप जिसे हम पुरुष कहते हैं, और एक फेमिनाइन रूप जिसे हम शक्ति कहते हैं, प्रकृति भी कहती है। चित्रों में आप लोगों ने देखा होगा कि शिव और शक्ति को हम चित्र में देखते हैं। आधा रूप शिव जी का होता है और आधा रूप पार्वती जी का। तो देखने में तो अद्भुत लगता ही है, उससे हमें क्या विचार मिलती है या फिर हमें उससे क्या विचार निकालना चाहिए? विचार यह है कि एक है पर उसके दो फैसेट्स हैं, दो डायमेंशंस हैं, और ये जो डायमेंशंस हैं ये एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, ये रादर दोनों इंटीग्रेट कोलैबोरेशन की एक मैसेज हमें देते हैं। तो जब हम पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, इसका उल्लेख भगवद गीता में भी आया है और सांख्य दर्शन में भी आया है, सांख्य योग दर्शन में। पुरुष क्या होता है? पुरुष को हम सेल्फ कहते हैं, द स्पिरिट, यू नो, और उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो नेचर है, वो है चित्त का, दैट इज कॉन्शियसनेस, और वो अचल है, इमोबाइल है, ही इज लाइक अ साइलेंट विटनेस। वो चुपचाप सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, बहुत ही सटल हैं। वो ग्रॉस, जैसे फिजिकल वे में, ग्रॉस वे में उनको हम नहीं देख पाएंगे या कंसीव कर पाएंगे,
और प्रकृति क्या है, वो मोबाइल है और वो ट्रांसफॉर्मेशन मॉडिफिकेशन से गुजरती है, और उनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो तीन गुणों से बनी है। वो जो तीन गुण हैं सत्व, रजस और तमस। तमस गुण या क्वालिटी हम इसे कहेंगे, जैसे तमस से होता है तामसिक। तमस वो जो आपको आलस्य की भावना देता है, यू एक्सपीरियंस लेथर्जिक, यू नो यू आर लेथर्जिक, यू फील लेथर्जिक, यू फील कि आराम से सब कुछ हो जाएगा, आपका कोई ऑब्जेक्टिव नेसेसरी नहीं है लाइफ में, आपको जो भी है यू आर सेल्फ सेटिस्फाइड विद दैट। और अगर हम देखेंगे कि पशुओं का जीवन थोड़ा ऐसे जाता है, उनमें अध्यात्म की तो स्कोप ही नहीं होता है, खाने पीने का दे दिया तो वो आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तामस मनुष्य को अंधकार की तरह ले जाता है, इसमें प्रोग्रेस नहीं है। राजस या राजसिक क्वालिटी की बात जब हम करें तो वो हमें देता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है डायनामिज्म, वो एनर्जाइज करता है, वो एक आदमी को, एक मनुष्य को प्रोडक्टिविटी की ओर बढ़ाता है, प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी से सक्सेस आएगा तभी प्रॉस्पेरिटी आएगी, तभी आप सस्टेन कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे। और अगर आप एक गृहस्थ जीवन जी रहे हैं तो आपके जो भी मटेरियल डिज़ायर्स हैं आप उनके भी पूर्ति कर सकते हैं, या सोशल डिज़ायर्स हैं आप उनको भी आप फुलफिल कर सकती हैं। और फिर हुआ सात्विक। सात्विक गुण वो जो एक मनुष्य में होगा, वो मनुष्य वो स्थिर होगा, जैसे भगवद गीता में हम कहते हैं ना स्थित प्रज्ञा, आप उनको अच्छी बोलेंगे दैट पर्सन विल बी स्टेबल, आप उनको बुरे शब्द कहें, उनको क्रिटिसाइज करें, ही विल बी स्टिल द मैन ऑफ इक्विलिब्रियम। और सत्व गुण से हमें स्थिरता के साथ साथ प्यूरिटी और सरलता, सिंप्लिसिटी भी मिलती है। और यह है वह मनुष्य, उनकी कामना होगी लोक संग्रह, ह्यूमन की, अपना जो भी सर्विस है ह्यूमैनिटी सेक के लिए होगा, और धीरे धीरे यही क्वालिटीज़ उनको मोक्ष की तरह ले जाएगा। माँ अम्बे, माँ दुर्गा, माँ भगवती, चाहे नाम कोई भी हो, इन नौ दिनों में वे भरपूर आशीष देती हैं। अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक मानी जाती है। नवो दुर्गा को पापों की विनाशिनी कहा जाता है। हर देवी के अलग अलग वाहन, अस्त्र, शस्त्र होते हैं और उनकी विशेष पूजन और अर्चन की जाती है। ये उत्सव है शक्ति की उपासना का, ये उत्सव है शक्ति की आराधना का। नौ दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। देवी के नौ रूपों में से एक है शैलपुत्री, जो अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा किए गए यज्ञ में प्रतिमहादेव का अपमान होने पर देवी सती ने हवन कुंड पर आत्मदाह किया। अगले जन्म में देवी हिमालय के घर में जन्म लिया। शैल राज्य हिमालय में जन्म लेने से देवी का नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री की सवारी नंदी है, उनकी दाएं हाथ में त्रिशूल एवं बाएं हाथ में कमल होता है। दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। माँ शैलपुत्री ने नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में मानने के लिए कठोर तपस्या की। सैकड़ों वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए संसार में रहकर अंत में तप किया। इस कठिन तपस्या के कारण ही माँ शैलपुत्री को तपस्याचारिणी अर्थात माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। इनके दाहिने हाथ में जाप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल होता है। तीसरा रूप है चंद्रघंटा। माता ब्रह्मचारिणी की कठिन तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने माता से विवाह किया। विवाह के बाद माता के शीश पर अर्धचंद्र आ गया, जो कि एक घंटे की तरह प्रतीत होता है। इसी कारण माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा। माता की सवारी बाघ है और उनके हाथों में युद्ध करने के लिए अस्त्र शस्त्र, कमल, कमंडल एवं जापमाला भी है। आदिशक्ति का चौथा रूप है कुष्मंडा। यह नाम तीन शब्दों से बना है, कु, उष्मा और अंडा। कु का अर्थ है छोटा, उष्मा का अर्थ है ऊर्जा एवं अंडा। माना जाता है कि माता ने
अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना के एक ऊर्जा के छोटे से अंडे के रूप में की थी, इसलिए माता का नाम कुष्मंडा पड़ा। उनके चार हाथों में अस्त्र शस्त्र तथा कमल कमंडल जापमाला होता है। माता का पांचवा रूप है स्कंद माता। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है। कुमार कार्तिकेय देवताओं के सेनापति भी हैं। भगवान स्कंद की माता होने से ही माता के इस रूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता शेर की सवारी करते हैं तथा गोद में कार्तिकेय जी बैठे हुए हैं। माँ दुर्गा के छठी शक्ति का नाम है कात्यायनी। कहानियों के अनुसार जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया तब त्रिदेवों ने एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने इनकी सबसे पहली पूजा की, इसीलिए माता का नाम कात्यायनी पड़ा। जगत जननी माता का सातवां रूप है कालरात्रि। जब माँ दुर्गा ने रक्तबीज का वध किया तब माँ कालरात्रि ने रक्तबीज का सारा रक्त पृथ्वी पर पड़ने से पहले ही पी लिया ताकि पुनः उसकी उत्पत्ति ना हो पाए। माँ कालरात्रि का वाहन गधा है एवं माता का रंग है काला। माँ दुर्गा की आत्मिक शक्ति का नाम है महागौरी। पुराणों के अनुसार माँ कालरात्रि ने रक्तबीज का वध करने के बाद गंगा में स्नान किया एवं अपने सुंदरता को पुनः प्राप्त की। माँ महागौरी नंदी की सवारी हैं। उनकी हाथों में त्रिशूल और एक डमरू होता है। माता की नवी शक्ति है सिद्धिदात्री। यह देवी सभी प्रकार के सिद्धियों देने वाली है। देवी सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर स्त्री का हो गया था और संसार में अर्धनारीश्वर के नाम से जाने गए थे। माता कमल पर विराजमान है। माता की चार भुजाएं हैं। चार हाथों में चक्र त्रिशूल कमल एवं गधा पकड़ा हुआ है। माता दुर्गा शक्ति और वीरता का प्रतीक है। जिस तरह उन्होंने राक्षस महिषासुर को हराया वे न केवल एक प्रेरणा है बल्कि एक रूपक भी है। वे एक पोषण करता, एक देखभाल करता, एक गृहस्थी और परिवार का प्रतीक है। माँ दुर्गा इस प्रकार एक अद्भुत द्वैतवाद बन जाती है जिसे समाज स्वीकार करता है। हिंदू परंपरा भी महिलाओं को शक्ति का पात्र मानती है। शक्ति सामान्य परिभाषा में गतिशील ऊर्जा है। इसके बिना इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं होता। अंत भी मैं, आरंभ मैं। नवरात्रि के अवसर पर नारी सशक्तिकरण का एक सुंदर ही संदर्भ बनता है। दुर्गा माँ का की जो कई क्वालिटीज़ में से एक क्वालिटी है कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती रहती है। राक्षस का पतन करने के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए वो ट्रांसफॉर्म, वो अलग अलग रूप लेती हैं और अपनी जो भी मिशन है उसकी पूर्ति करती हैं। क्या आप, द यू, क्या आप भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करती हैं? कभी बेटी के रूप से आप बहन बनती हैं, बहन से माँ बनती हैं, माँ से पत्नी बनती हैं, पत्नी से कर्मचारी बनती हैं। तो आप भी अलग अलग रूप ले लेकर अपने मिशन, अपने ऑब्जेक्टिव्स की पूर्ति करती हैं। तो ये जो भी शक्ति है माता का, वो एक प्रतीक है जिनसे हमें इंस्पायर होना चाहिए। और ये भी हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि जो भी देवी देवता हुए हैं, यू नो, इन सभी को पर्सोनिफाई किया गया है, इन सभी को एक मनुष्य रूप दिया गया है। क्यों? ताकि हम उनके भावों से, उनके कर्मों से, उनके विचारों से प्रोत्साहित हों, इंस्पायर हों और अपने दिनचर्ये में इन सभी बातों को हम उतारें, तभी हमारा जीवन सफल बनेगा। हम क्वालिटीज़ की बात कर रहे थे, एक तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन पर किया, दूसरी बात है कि माता दुर्गा निर्भय है। जब महिषासुर, दुर्गा सप्तसती में यह आता है कि महिषासुर के आतंक से सभी देवी देवता डरे थे, तभी दुर्गा माँ के यहाँ गए कि वो हमें इस दुख से निवृत्त करें।
ऐसा हर मनुष्य में भय होता है, पर माता दुर्गा से हमें क्या सीख मिलती है कि जब उन्होंने एक रिजॉल्व लिया, दृढ़ निश्चय लिया कि उनको धर्म की रक्षा करने हेतु उतरना है, तो उन्होंने दो बार नहीं सोचा, अपने दृढ़ संकल्प से उन्होंने महिषासुर की वध की। सभी डर रहे थे कि महिषासुर से कैसे पंगा लिया जाए, पर उन्होंने कहा नहीं, अगर यही है मेरा धर्म तो मैं इस धर्म को पूरा करूंगी और उसको मान्यता दूंगी। तो हम स्त्रियां, हमें इनसे सीखना चाहिए कि जीवन में भले ही कुछ ऐसे समय आए जहां पर अप्स एंड डाउन्स हो या फिर भयभीत हो, तो हमें अपनी विवेक ज्ञान से, विवेक यानी कि हमें जानना चाहिए कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अगर ये डिसर्नमेंट हो जाए तो हम अपना ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छी तरह सेट कर सकते हैं। एंड वंस आवर ऑब्जेक्टिव इज सेट, फिर पीछे मुड़ कर देखना नहीं है, उसको हमें फुलफिल करना है जो भी हमारा मिशन हो। निसंदेह सहजता से हर दिन भिन्न भिन्न भूमिकाएं जीते हुए महिलाएं किसी भी समाज का स्तंभ है। आज स्त्री अपने कौशल, आत्मविश्वास और शिष्टता के आधार पर दुनिया के किसी भी चुनौती को संभालने में सक्षम है। अपने परिवार व समाज के लिए शांति और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत के रूप में स्थापित हो रही है। Voilà, nous faisons puja ensemble. Depuis petit, je fais ça à la prière avec mes parents. Alors, je montre mes enfants pareil. Durga puja, nous avons manaï la jam, nous hindou dharam, nous avons dit que Durga puja, c'est pour les ghar dwar safa hola. Sab saf sutra karba. Ab Durga ma ke baisai ba apan ghar mein. Oka vrat raba. Dusre mein rakhte aur hone raba 15 din le. Ek mahina sutla raba vrat. दुर्गा माँ के तो अभी चाहना हमने के रहे कब रात दुर्गा माँ हमने के बहुत खुशी के दिन है और वो आवेल हमने के घर में अपन दुआ देवेल हमने सब कोई के जमे हमने सुख शांति से अपन घर में सब कोई रही लाइक आलू सब कोई निमा से पौधा ने जूल नू रे नू पूजा मामा अपने से दैनिक जूल नू चराओ नू पूरी नू प्रसाद तुसाला ममता मई देवी का आशीर्वाद पाने के लिए हर कोई अपने अपने तरीके से व्रत पूजा करके माँ को प्रसन्न करता है। ये घर घर में जाला दुर्गा माँ बैसे सब कोई कर पूजा करेला खुशी से, सब कोई के आशीर्वाद देवेला, जब मैं सब कोई सुख शांति से अपन घर में रही, हमने के दुख दूर हो, हमने के लड़का पैका सब अपनी मन से रही, दुनिया भर के सब कोई यही बोला था हम तो खुशी रह से दुर्गा पूजा करे के अपन घर में चाहे से मंदिर घर में पहला अपन घर सफा कर सा। हाँ, हमने के पहला जरूरी है घर द्वार सफा करे के, तब हमने के भगवान हमने के दुर्गा माई हमने के घर में। ओम या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए गंगा माई की जय। नवरात्रि नू सेलिब्रे नू ले कोन फिन रंजे अविक पांच तत्व अग्नि वायु जल आकाश ए नू सेलिब्रे दुर्गा माँ सो पूजा प्रमे डाबो नू ले कोन फिन रंजे अविक लाते नू प्रिये दुर्गा माँ प्रोटेज नू ले को सा सिंक एलिमेंट किन फिन रंजे ए दुर्गा माँ की प्रोटेज ला नेचर ले मोन ए टू जी मोन ए नू फेन अपेल अविक टू जी मोन श्रद्धा भक्ति से नू फे दुर्गा माँ सो पूजा pour nous sortir de ce problème qui nous fait finir passer coronavirus. Et nous demandons Durga Maa soit Ashidwad et nous parler pas de ce moment difficile. Et pas de monde qui passe de ce difficulté, nous faisons Durga Maa, des Durga Maa et Dieu tient nous de ce problème-là pour nous gagner beaucoup de bénédictions, pour nous protéger nos familles, protéger nos pays, protéger nos samadhi. Et Durga Maa, Ashidwad et nous. घर की साफ सफाई से 9 दिनों के लिए पूजा सामग्री खरीदना, चौकी सजाना, कलश स्थापन, अलग अलग मिष्ठान प्रसाद तैयार करना, पाठ करना, कीर्तन भजन
और कन्या पूजन तक का जो चहल पहल, पूजा की पवित्रता, परंपरा और रौनक दिखाई देती है, मन को अवश्य सुकून देती है। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्य भिधीयते, अर्थात सभी जीव जंतुओं में चेतना के रूप में है माँ देवी, तुम स्थित हो। नवरात्रि का प्रत्येक दिन देवी माँ के विशिष्ट रूप को समर्पित होता है। भक्ति भाव श्रद्धा से आशीर्वाद प्राप्त करके अपने शरीर मन बुद्धि व सत्व शुद्ध होते हैं और आखिरी दिन विजयदशमी मनाई जाती है। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ आदि जितने बुरे प्रवृत्तियां हैं उनका हनन करके विजय का उत्सव मनाते हैं। नवरात्रि के उपलक्ष्य में सभी को सभी से एक विनम्र विनती करना चाहती हूँ कि हम घर पे माता घर में मंदिर में माता का आवाहन तो करेंगे, उनको अपने घर में बुलाएंगे, उनकी पूजा करेंगे, पर इसके साथ साथ मेरी विनम्र विनती है कि आपके घर में जो भी माताएं हैं, बहनें हैं या बच्चियां हैं आस पड़ोस में भी, आप उनको स्नेह आदर और सम्मान दें। इसी के साथ मैं आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं प्रस्तुत करती हूँ। नवरात्रि के इन पावन दिनों में हम भी अपनी बुराई का दहन कर लें, आपसे रिश्तों को मजबूत करें एवं भाईचारा और एकता की शक्ति को बढ़ाएं। ओम नमो दुर्गाए नमः। नमस्कार।